हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं नॉइज़ का कलर फिट अल्ट्रा 2। तो देखते हैं वॉच लेने लायक है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे ये जो है, ये वॉच का जो मेन आप कह सकते हो कि जो भी लुक एंड फील है, ये जो कन्वेंशनल वॉचेस आते हैं नॉइज़ के, उसी की तरह है। तो यहाँ पे इसमें पता है मुझे क्या होगा, पेपर वर्क और कुछ स्टिकर्स होंगे नॉइज़ के, और वारंटी कार्ड होगा अगर आपको क्लेम करना है या रजिस्टर करना है प्रोडक्ट, तो उसके लिए तो वो भी हम लोग साइड में रख देते। तो यहाँ पे वॉच का जो कलर है मैंने मंगाया है, एक्चुअली ये ग्रीन कलर है और इन्होंने इसे कहा है मिंट गोल्ड। तो मिंट गोल्ड और ग्रीन का जो है कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे जो मैं चार्जर दिखा रहा हूँ बेसिकली, तो चार्जर किस तरीके का है देख लेते हैं। ओके, तो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है प्रॉपर, तो काफ़ी इजी हो जाएगा ये केस में चार्जिंग करना, वरना जो स्ट्रिप्स जैसे जो देते हैं मैग्नेटिक चार्जर, वो कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो जाता है या फिर चीप फील होता है। तो ये वॉच भी कुछ चीप नहीं है दोस्तों। तो एक्चुअली ये ऑलमोस्ट 5000 के आसपास की जो है वॉच है। और इसके अगर फीचर्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन है 1.78 इंच की, और रेजोल्यूशन की बात करें तो 368x448 है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है बिकॉज एमोलेड जो इंटरफेस मिल रहा है आपको स्क्रीन का, उसकी वजह से। तो देखते हैं आगे और प्रोडक्ट में क्या क्या है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर प्रोडक्ट बाय भी करना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो हमें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी ताकि हम लोग नए प्रोडक्ट जो है ख़रीद पाए। तो ये वॉच जो है रिसेंटली लॉन्च हुई है, लास्ट वीक में 4-5 दिन हुए मैंने उसी दिन ऑर्डर की थी, बट डिले हो गई थोड़ी आने में। तो यहाँ पर अगर नॉइस फिट अल्ट्रा की अगर मैं बात करूँ तो ये 4500 के आसपास की जो है वॉच है, और डायल भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बड़ा डायल है। अगर आप बात करूँ तो मैं आप इसको डीजो वॉच 2 की जो स्क्रीन है उसके साथ कंपेयर कर सकते हो, और डीजो वॉच प्रो। तो यहाँ पे लाइट डिमिंग, ब्राइटनेस, फ्लैश वगैरह की जो सेटिंग्स है आपको इजीली मिल जाएगी। तो आप ब्राइटनेस काफ़ी मैं कहूँगा अच्छी है, फुल अगर ब्राइटनेस करोगे तो डे लाइट में भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। और बैक बटन के लिए भी है, कभी कभार टचेस जो है पता नहीं मुझे कोई कोई केस में बेटर फील नहीं हुए, और ऑल ऑफ अ सडन जो है मे बी फर्स्ट इनिशियल बूट था इसकी वजह से या जो भी है। तो अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आपको सारे ही फंक्शन मिल जाते हैं, बट यहाँ पे कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शन ज़्यादा है कंपेयर टू जो अगर आपने पिछली वाली मेरी वीडियो देखी होगी जो नॉइज़ की जो वॉच थी, जिसमें भी एमोलेड डिस्प्ले वगैरह जो सभी फ़ीचर्स थे, बट जो डायल थी वो राउंड थी बेसिकली। तो यहाँ पे वो सारे फ़ीचर्स यहाँ पे है, बट कस्टमाइजेशन उन्होंने ज़्यादा जो है प्रोवाइड किया हुआ है इसमें जो इवॉल्व टू वॉच थी नॉइज़ की। तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन में भी उससे कंपेयर करोगे तो बेटर जो है आपको डिस्प्ले मिलेगा ऑलवेज़ ऑन में भी। मैं आपको दिखा देता हूँ, आई बटन में आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी अगर आपको देखना है तो। प्राइस डिफरेंस कुछ ज़्यादा है नहीं, मेरे ख्याल से 500 रुपीज़ का जो है डिफरेंस है, 500 to 700, डिपेंड अभी आप वॉच कब परचेस कर रहे हो। तो ये जो है ऑलवेज़ ऑन में ये आपको जो वॉच फेस मिल रहा है, बट ठीक ही कहूँगा मैं, मतलब अगर बेटर अगर जो जो आपको प्रॉपर जो वॉच फेस है वही अगर ऑलवेज़ ऑन फीचर में मिले या कुछ थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके, तो आई फील वो बेटर है ये कंपेयर टू दिस। बट स्टिल जो अगर मैं बात करूँ इवॉल्व टू जो वॉच थी इनके, उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी बेटर लगी मुझे। और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी सारे हैं इसमें, ऑलमोस्ट 5 कलर के आसपास कुछ जो है आपको कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो बेसिकली जो है आपकी डायल सिल्वर हो जाएगी और जो कलर ऑप्शंस जो आपको चेंज हो जाएंगे बेसिकली कुछ कॉम्बिनेशन से प्री डिफाइन, वही आप जो है परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने नॉइज़, हेल्थ और स्टॉक्स वगैरह के भी ऑप्शंस दिए हुए ये। तो यहाँ पे आप स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हो आपके वॉच के थ्रू, तो वो जो है आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे बेसिकली। और अभी जो है स्वाइप्स ईजी फील हो रहे हैं मुझे, एक्चुअली मे बी स्टार्टिंग में जो इनिशियल आप कह सकते हो बूट था इसी वजह से। और एक इसमें अच्छे फीचर्स है जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था, जैसे आप जो इसे लिंक कर सकते हो जो गूगल फिट ऐप है उसके थ्रू, तो आपको जो है कॉमन आप कह सकते हो कि यूज़र आईडी, ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी जो भी है आपको कॉमन यूज़ करना है बेसिकली। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है और कितना यूज़फुल है वो। तो यहाँ पे ये जो ये वॉच जो है मैंने पेयर कर लिया है, यहाँ पे कुछ बेसिक सी डिटेल्स है जो आप फटाफट में आपको फिल करके आगे मिल। यहाँ पे जो है आपको वॉच फेसेस में भी कस्टम्स जो है ऑप्शन मिलेंगे, तो बेसिकली प्रीसेट से उसमें आप जो है आपका फ़ोटो या जो भी है आप खींच सकते हो। और वीडियो में मे बी इसकी स्क्रीन जो है ब्राइटनेस आपको इतने बेटर फील ना हो, बट रियलिटी में इसके कलर अच्छे हैं काफ़ी, मुझे पसंद है एक्चुअली।
जो इवॉल्व 2 है उसके कंपैरिजन में तो अच्छे कहूँगा मैं। और ये एक फ़ोटो मैंने प्री सेट करके सिलेक्ट कर लिया फटाफट क्विकली, तो इसी के बेसिस पे हम लोग जो है कस्टम वॉच फेस बनाएंगे। तो देखते हैं कि मतलब किस लेवल पे आपको जो है कह सकते हैं कि मतलब वॉच फेस मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो कस्टम वॉच फेसेस है वो पुश करने में जो है वॉच थोड़ा सा टाइम लेता है, तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 2 मिनट के आसपास लग गए टोटल। तो ये पार्ट जो है मैंने ऑब्वियसली थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि 2 मिनट वेट करना मतलब आपके लिए भी टाइम वेस्ट हो जाता, मेरे लिए भी। तो ये पार्ट जो है मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो यहाँ पे जो है मुझे एंड रिज़ल्ट कुछ ऐसे मिला जो आपको दिखेगा अभी स्क्रीन पे। तो आपको अपडेटेड मैसेज मिलने के बाद जो है आपका वॉच फेस अपडेट हो चुका है एक्चुअल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है यार, ये स्क्रीन पता नहीं कैमरा की वो ढंग से कैप्चर नहीं कर पा रहा था, तो ये कलर एक्चुअल में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अगर आपको कस्टम वॉच फेसेस रखने तो आप रख सकते हो। तो ये था कस्टम वॉच फेसेस के बारे में। और जो इनबिल्ट वॉच फेसेस है वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कैटेगराइज करके आपको मिल रहे हैं, तो वो भी एक बार मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन, फिर जो क्लासिक जो आपको आप कह सकते हो कि एनालॉग टाइप जो है वॉच फेसेस वो भी मिलेंगे। और जो ऐप के थ्रू वॉच फेसेस जो पुश हो रहे हैं एक्चुअली, तो उसका टाइम जो है आप कह सकते हो कि वॉच फेस पे डिपेंडेंट है टोटली। अगर कम इन्फॉर्मेंट जो आप कह सकते हो कि वॉच फेस होगी तो वो केस में आपको जो टाइम कम लगेगा और कस्टमाइजेशन कम हो, तो अगर हेवी वॉच फेस है तो टाइम लगेगा ज़्यादा। और जब मैं टेस्ट कर रहा था तो और एक इशू मैंने पाया इसमें एक्चुअली, जब मैं वॉच फेसेस के साथ ही मतलब ट्राई कर रहा था, तो एक वॉच फेस था जो मैं पर्टिकुलरली अपडेट करने गया मतलब, तो ये एक्चुअली वॉच जो है 42% पे स्टक हो गया जब अपलोड हो रहा था वॉच फेस यानी कि। तो और जो थोड़े टाइम बाद जो है मुझे एक एरर मैसेज मिला कि कुडंट अपडेट वॉच फेस, यानी कि वो भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ये 42 पे ही मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक आध मिनट के लिए जो स्टक हो गया और कुडंट अपडेट करके आया। तो ये रीज़न मुझे कोई पता नहीं है कोई स्पेसिफिक। और बाकी तो SPO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, काफ़ी सारे फीचर्स है। और एक फीचर जो है इसमें इंटरेस्टिंग है कि आप इसे लिंक कर सकते हो गूगल फिट ऐप के थ्रू बेसिकली। तो इसमें अगर आप वो टॉगल ऑन कर दोगे तो ये जो डेटा है वो गूगल फिट पे जो है पुश हो जाएगा, सेम अकाउंट अगर आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे भी। बट इसमें भी एक दिक्कत ये पाई मैंने कि जो वॉच आपके जो डेटा पुश कर रहा है तो उसमें हार्ट रेट का ही डेटा जो है वहाँ पे पुश हो रहा है इजीली, और बाकी जो डेटा है वो पुश नहीं कर पा रहा है। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, गूगल फिट ऐप जो है मैंने ओपन कर लिया बेसिकली और सेम अकाउंट से जो है लिंक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, एक मिनट में नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर देखो तो हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो है आपको सिर्फ यही जो है फेच करके मिल रही है बेसिकली, तो बाकी कोई भी जो है SPO2 वगैरह की डिटेल्स आपको फेच करके नहीं मिल रही। तो ये एक जो इशू मैंने फेस किया। और बाकी तो वॉच अच्छी है बट GPS नहीं है इसमें, ये भी एक मुझे ड्रॉबैक लगा मतलब। तो अगर वॉच पसंद आए तो अगर बाय करना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो लिंक है उसमें से बाय कर सकते हो। प्रोडक्ट कैसा है कुछ और कमेंट्स अगर करने हो आपको थॉट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और सब्सक्राइब करिए रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लेके आएंगे, रिव्यू करेंगे और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।